हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि महम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता तो न केवल लाखों लोगों को रोजगार मिलता अपितु महम दुनिया के नक्शे पर आ जाता। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि हरियाणा से एक एक कर सारे प्रोजेक्ट जाते रहे और प्रदेश की भाजपा सरकार अपने मुंह पर ताले लगाए बैठी रही। इतना ही नहीं, रोहतक के मौजूदा सांसद समेत लोकसभा और राज्यसभा में हरियाणा से 15 में से 14 सांसद सत्ताधारी दल के हैं, लेकिन किसी ने भी हरियाणा के हित की रक्षा के लिए कोई आवाज तक नहीं उठाई, जबकि वे 2014 से लगातार संसद समेत हर फोरम पर आवाज उठाते रहे कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के समक्ष मंजूर शुदा महम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हर हाल में हरियाणा में ही स्थापित किया जाए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज जन जन की समझ में एक बात आ गई है कि इस सरकार को हरियाणा के विकास से कोई लेना देना नहीं है। इस दौरान और क्या कुछ कहा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, आप खुद ही सुन लीजिए। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास ओहल्याण की रिपोर्ट। हमारे भाई सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहिबान, पूरे गांव के पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं बहने, आज अपने गांव में आपने मान सम्मान किया, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और थोड़ी सी माफ़ी मांगता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं मैं, क्योंकि मेरे वायरल बुखार बन रहा है। तो वायरल बुखार बन रहा है तो मैं लंबी तो भाषण नहीं कह सकता। मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी प्रत्याशी को चुनाव में तोलने के दो ही पैमाने होते हैं, एक उसका काम और उसका आचरण। जब आपने पहले मुझे मौका दिया था यहाँ से सांसद के रूप में, उस समय रोहतक को आगे लेके जाने के लिए चारों तरफ 4 लेन 6 लेन और शिक्षा के संस्थान रोहतक में आए, शहर का नक्शा बदले, हर गांव में विकास हो, जो काम मैंने किए थे वो भी आपको याद होंगे। रोहतक देश के विकास के नक्शे पे आए, पूरे देश प्रदेश में रोहतक उस समय चर्चा, रोहतक का विकास आगे बढ़ा था। मेरे काम भी आपको याद होंगे और बचपन से लेकर आज तक मेरा आचरण भी आपके आगे, मैं छोटा सा पहली बार गांव में आया था तब से लेकर आज तक मेरा आचरण भी आपके आगे है। मैं तो यही आपसे आज हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आया हूँ कि काम और आचरण की कसौटी पे आप तोल लो और आपकी आत्मा गवाही दे कि आपका ये बेटा खरा उतरता है, तो मुझे आशीर्वाद देना। मैं तो यही आपको और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। दिल्ली पहुंच के मैं आपके खोए हुए मान सम्मान को ऊपर लेके, देश में ऊपर लेके जाने का काम करूंगा। और ये आशीर्वाद केवल दिल्ली तक ही नहीं जाएगा, आपका आशीर्वाद वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाएगा और बहुत जल्दी आपकी सरकार लेके आएगा। ये लड़ाई हरियाणा में दोबारा से खुशहाली लाने की लड़ाई है, क्योंकि हरियाणा में खुशहाली हो, ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। आपने देखा है बीजेपी किस तरीके से कह रही है, और ये लड़ाई अपने इलाके में राज लाने की लड़ाई। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है, और ये लड़ाई अपने इलाके में राज लाने की और अपने इलाके को विकास के मामले में आगे पहुंचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में मैं साथ आपका गांव का मानता हूं। मैं समझता हूं कि अपना गांव, ये मेरा अपना गांव है, गांव का पूरा आशीर्वाद, क्योंकि भाई खरखड़ा गाँव में और डीगल गाँव में कोई फ़र्क नहीं। मेरी नानी डीगल की थी, मेरा बचपन डीगल गाँव में सारा मेरा बीता, तो मैं समझता हूँ कि मैं भी आपका देवता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप, मैं मानता हूँ अपना हक आप पे मैं फालतू मानता हूँ, ठीक बात है ना। मैं भी आपका अपना हूँ भाई, थोड़ा हक फालतू मानूँ कि नहीं मानूँ नहीं बताओ भाई, तो बन जाए तो भी फालतू हो तो भाई
ज्यादा बोलते ना हुए, क्योंकि लड़ाई पूरे हरियाणा में लड़ रहे हैं और पूरे हरियाणा में बढ़िया माहौल है। हरियाणा के कोने कोने से कालका पिंजौर से नांगल चौधरी तक और सिरसा से लेकर और डबवाड़ी से लेकर और होडल पलवल तक एक ही आवाज आ रही है हरियाणा में, बीजेपी की हरियाणा की सरकार जारी है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। तो ये भाई ये लड़ाई इसमें भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, अपने गांव की तरफ से कोई आशीर्वाद में कमी तो नहीं रहेगी? एक बार हाथ ठाकर के पूरा गांव बताएं, तो ज्यादा ज्यादा भाषण की जरूरत तो नहीं, मैं आप तो इलेक्शन छोड़ के चला जाऊं भाई। बहुत बहुत आपका धन्यवाद भाई, ये अपने पंखे बात हुई थी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।